मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार भारत में हमारी सरकार बन रही है। पूरे देश के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से लगभग 100 सीटें पीछे है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यकीनन तीसरी बार नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन दावा तो 400 पार कर किया जा रहा था, उन दावों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। अभी चूंकि गिनती चल रही है, अभी पूरे देश के अंदर इस समय काउंटिंग के 10 राउंड हुए हैं और 10-12 राउंड अभी काउंटिंग के बाकी हैं। यूं यूं ये काउंटिंग आगे बढ़ रही है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ेगा। प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी साहब की पुनः सरकार बनेगी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 300 से ऊपर लोकसभा की सीटों में हमारी बढ़त है और ये बढ़त शाम 4 से 5 बजे तक और आगे बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी नतीजे आ रहे हैं सामने, जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? जम्मू कश्मीर के दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट और उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट पर इलेक्शन लड़ा था, जो पहले 10 राउंड की काउंटिंग के ट्रेंड्स हमारे सामने आए हैं, एक बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जम्मू रियासी पार्लियामेंट से श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब जीत रहे हैं। और वहीं एक बड़ी जीत के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट पर भी बढ़त बनाई हुई है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये काउंटिंग जम्मू कश्मीर की पूरी होगी, भारतीय जनता पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट रहेगा। सर, यूपी में वैसे सेटबैक लगा, जिसकी एक्सपेक्टेशन होगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी 10 राउंड की गिनती हुई है, 10-12 राउंड की गिनती बाकी है। आप शाम तक देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और फिर तीसरी मर्तबा श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हमारे देश में सरकार बनेगी।